अरे आनंदपुर वाले सब परमधाम वासी हो गए, अनंतपुर वासी। जय जगन्नाथ कलयुगी फिल्म दिखाई है जगन्नाथ के बारे में, कलयुग के नारायण की। तो उसमें दिखाया है लक्ष्मी भंगी के घर गई तो जगन्नाथ ने लक्ष्मी को त्याग दिया। ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे होती है? जो भी कथा कहानियां हैं वो संपन्न स्टेज की यादगार हैं या अधूरे पुरुषार्थ की यादगार हैं? संपन्न स्टेज की यादगार हैं। और लक्ष्मी अथवा नारायण अकेले ही संपन्न बन जाते हैं या कोई और आत्माएं भी साथ में संपन्न बनती हैं तब विष्णु कहा जाता है? है कोई आत्माएं और भी हैं? तो मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण दो हैं, एक सतयुग के लक्ष्मी नारायण और एक संगमयुगी लक्ष्मी नारायण। संगमयुगी लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं सतयुग में जो जन्म लेने वाली लक्ष्मी नारायण की आत्माएं हैं उनके बिगर संपन्न बन सकती है? है नहीं बन सकती। तो लक्ष्मी महालक्ष्मी बन जाती है और नारायण महानारायण बन जाता है। दोनों ही लक्ष्मी के पार्ट हैं। तो लक्ष्मी दो हैं, और जो वेद में मां बाप का पार्ट है वो प्रैक्टिकल में कौन है? बेहद की मां कौन है और बेहद का बाप कौन है? जिसको जगन्नाथ कहा वो बेहद का बाप, और जिसको जगन्नाथिनी कहा वो है बेहद की मां, जिसका नाम दिया जाता है ब्रह्मा। संपन्न स्टेज में होती है जगदम्बा, तो वो जगदम्बा ही भंगी के घर जाती है। प्रैक्टिकल में जाकर के सेवा करती है। भोग भी ग्रहण करती है।
इसलिए शास्त्रों में दिखा दिया है कि लक्ष्मी बंगी के घर जाकर के भोग ग्रहण करती है, उनकी पूजा ग्रहण करती है, इसलिए नारायण ने उसको निकाल दिया। वास्तव में नारायण ने निकाल दिया या बलराम ने निकाल दिया है? किसकी दिल थी निकालने की है? ये निकालने की बात किसकी बुद्धि में आई? बलराम की बुद्धि में आई। अब चूंकि भाई भाई में झगड़ा होना, भाई भाई का अलग होना, वो तो ठीक नहीं। और छोटे भाई को बड़े भाई की बात माननी भी पड़ती है। तो यज्ञ में बाप और दादा जिन्हें कहा जाता है, वो बाप तो बाप तब है जब किसी भी उसमें प्रवेश है। अगर शिव प्रवेश न हो तो वो राम वाली आत्मा यज्ञ में बाद में आई, छोटी है या ब्रह्मा बाबा के मुकाबले बड़ी है? बड़ी है। अगर बड़ी है तो परिवार में बैठ करके ब्रह्मा से नॉलेज लेती है प्रैक्टिकल में या देती है? आदि में, बेसिक में लेती है कि देती है? लेती है। तो छोटी हुई या बड़ी हुई? छोटी हुई। तो वो है छोटा जगन्नाथ जिसे कहा गया, और वो है बड़ा जिसे नाम दिया बलराम। वो छोटे को बड़े की बात माननी पड़े। प्रैक्टिकल में मुख कौन सा है जिसकी बोली ही बातों को मानना पड़ता है? है? राम वाली आत्मा को भी कौन सी प्रैक्टिकल मुख है जिस मुख की बोली हुई बातों को मानना लाजमी है, वो कौन सा मुख है? है? अरे ब्रह्मा का मुख की बात मानता है या नहीं मानता है? मानता है। तो बड़ा भाई बाप समान हुआ कि नहीं? वो बलराम हो गया बाप। कहते भी हैं ब्रह्मा बाप। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो परिवार टूट जाएगा, और फाउंडेशन में ही अगर परिवार टूटने लगे तो 84 जन्मों के बाद तो बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए बड़े भाई की बात भी रखनी पड़ती है, क्योंकि बड़े भाई को, बलराम को ये आशा थी कि मैं बड़ा बनूं तो मेरी बात मानी जाए। तो बात माननी पड़ती है। इसलिए जगदम्बा वाली ही आत्मा और धर्म वालों से और वर्ण वालों से शूद्र संप्रदाय से जाकर संपर्क संसर्ग करती है, और वो भी लक्ष्मी का ही रूप है।
दोनों आत्माओं के स्वभाव संस्कार जब तक मिलकर एक नहीं होंगे, लक्ष्मी और महालक्ष्मी के, तब तक संपन्न स्टेज नहीं बनेगी। और ऐसे कहें, उन दोनों में एक है शरीर और एक है आत्मा। संगम की लक्ष्मी भी है तो भी उस लक्ष्मी के पार्ट में एक है आत्मा और एक है शरीर। शरीर जड़ होता है या आत्मा जड़ होती है? शरीर जड़ होता है। तो जगदम्बा का पार्ट जड़त्वमयी आत्मा का है। जड़ बुद्धि है, बाप को पहचान करके भी बाप को भूल जाती है। तो जड़त्वमयी बुद्धि कहें या चैतन्य बुद्धि कहें? चैतन्य बुद्धि नहीं कहेंगे। लक्ष्मी का पार्ट ऐसा नहीं है, वो आत्मा का पार्ट है। एक बार पहचान लेगी तो पहचानने के बाद फिर भूलना नहीं हो सकता। और मुरली में बोला है कि चिड़ियों ने सागर को सुखाया, तुम हो ज्ञान चिड़ियाएं, तुमने सागर को सुखाया। अच्छा, एक तरफ ये बोला और दूसरी तरफ एक बात और बोली है सागर को सुखाने की। कोई नगरी है, बॉम्बे नगरी के बारे में बोला है कि सागर को सुखाया है तब माया की नगरी बनी है। क्या? अगर सागर को सुखाया न होता, सागर में मिट्टी न डाली गई होती तो सागर सूखता क्या? नहीं सूखता। माने देह अभिमानी की मिट्टी सागर में डाली जाती है तो वो सागर का नाम पड़ता है माया की नगरी बंबई। बंबई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। तो ये सुखाने वाली बात क्या हुई? ये है देह अभिमान से कनेक्टेड बात। शिव ज्ञान सूर्य है या सागर है? शिव है ज्ञान सूर्य, फिर सागर कौन है? ज्ञानमान सरोवर जिसे कहा जाए या ज्ञान का सागर कहा जाए। सागर से रतन निकलते हैं। शास्त्रों में आया है रतनों की थालियां भर भर के सागर ने दी। तो कौन से रतनों की थालियां हैं वो? ये ज्ञान रतनों की थालियां हैं जो मनन चिंतन मंथन से ज्ञान सागर से निकलती है। तो सागर तो है ज्ञान का सागर, लेकिन चिड़ियों की चोंच में जो जल फंस जाता है वो फिर कहां डाला जाता है? वो चिड़िया जो क्रौंच पक्षी दिखाया है शास्त्रों में, वो क्या करते थे?
पानी लेते थे चौंची में और कहां डालते थे, मिट्टी में डालते थे। ओ ज्ञान जल को मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तो जब ज्ञान जल में मिट्टी मिक्स हो जाती है तो सागर सूखेगा या नहीं सूखेगा? और चिड़िया एक तो है नहीं, चिड़िया अनेक हैं या एक है? चिड़िया अनेक हैं और सागर एक है। वो सूर्य नहीं है, क्या है? सागर है। वो सागर पहले कभी एक होता है सृष्टि के आदि में और द्वापर युग से वो ही सागर कितने हिस्सों में बट जाता है, है? सात हिस्सों में बट जाता है। जो सात हिस्सों में सागर बटता है वो बांटने का काम मिट्टी करती है, महाद्वीप करता है कि सागर स्वयं बट जाता है, है? तो देह अभिमानी की मिट्टी सागर से ऊपर आ जाती है। तो ग्रुप्स हैं उन चिड़ियों के, सात प्रकार के ग्रुप्स हैं विदर्भ में जो सागर को भी खंडित कर देते हैं। सागर भी सात हिस्सों में बट जाता है। बाप आते हैं तो बटे हुए सागर को, बटे हुए महाद्वीपों को फिर एक में समा देते हैं। तो सारी कमाल दे अभिमानी की मिट्टी की है। बाप प्रवेश करते हैं तो दे अभिमानी की मिट्टी खलास हो जाती है, क्योंकि बाप है सिर्फ आत्मा सदाशिव, उसमें देह अभिमानी की मिट्टी का नाम निशान भी नहीं है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि क्रौंच पक्षी हैं, उनके अंडी बच्चों को सागर बहा बहा के ले जाता है। वो बार बार अंडे देती हैं और सागर बार बार उनका परिवार नष्ट कर देता है। तो बाबा का ज्ञान इसे दुनियादारी के संबंधों को, परिवार के संबंधों को बढ़ाने वाला है या खत्म करने वाला है? है? खत्म करने वाला है। ये जो दुनियादारी के संबंध है, मेरा 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 मेरा, बाबा का ज्ञान जो ज्ञान सागर बाप का ज्ञान जल है वो मेरा मेरा खत्म करने वाला है। तो क्रंच पक्षियों को आ जाता है क्रोध, क्या वो क्रोध में आकर के पक्का कर लेते हैं कि हम इस सागर को क्या करेंगे, हम सुखाए देंगे। तो ऐसा करते करते अब चिड़िया क्या सागर को सुखाएंगी, क्योंकि वो तो प्रयास कर सकती है सिर्फ बूंद बूंद लेकर के मिट्टी में डालने का, ऐसे तो सागर सूखेगा नहीं। तो उनके प्रयास की लगन को देख करके अगस्त ऋषि को रहम आ जाता है। हाँ, वो सारे सागर को उठा के पी लेते हैं। तो सारा सागर जब उठा के उन्होंने पी लिया, वो बात कहां की है? कौन है जो सारे ज्ञान सागर को उठा के पी लेता है? उसके अलावा और कोई दूसरी आत्मा नहीं है
जो सारे ज्ञान सागर को हप करे, उसने ज्ञान सागर को पी लिया। फिर कहावत पड़ गई कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। तो कभी चिड़िया सागर को हप करती हैं, कभी सागर को अगस्त ऋषि पी जाते हैं। ये कथा कहानियां शास्त्रों में बनाई हैं, बनाने वालों ने बनाई हैं, जरूर संगम युग में उन कथा कहानियों का अनुभव किया है प्रैक्टिकल में, तो कथा कहानियां बनाई गई। राम वाली आत्मा और शिव वाली आत्मा, दोनों ही निराकारी स्टेज में हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है? एक अल्पकाल के लिए है और एक सदाकाल के लिए निराकारी है। तो जो अल्पकाल के लिए निराकारी बनती है उसको परिवर्तन किया जा सकता है, जो सदाकाल के लिए निराकारी है, सदा शिव है, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो सागर को जो सुखाने वाली बात है कि सारा ज्ञान जल सूख गया, जिसमें ज्ञान होगा वो विनाश करेगा या स्थापना करेगा? क्या करेगा? स्थापना करेगा। ज्ञान जब लोप हो जाता है तो विनाश करता है। अज्ञान करता है विनाश और ज्ञान करता है स्थापना, तो उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया है कि शंकर जी की आंख खुली तो विनाश हो गया। ये उल्टी बात हुई या सीधी बात हुई? ये तो उल्टी बात हो गई। आंख खुली का मतलब शिव संपन्न स्टेज में आ गया, पुरुषार्थ करते करते राम वाली आत्मा ने अपन को बाप समान बना लिया। बाकी चिड़ियां क्या सागर को सुखाएंगी? ज्ञान सागर तो वास्तव में शिव है, लेकिन वो सदैव पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं है। सदैव पृथ्वी से डिटैच है या कनेक्टेड है? डिटैच है। सदैव अटैच्ड कौन है? पृथ्वी माता से सदैव अटैच होकर रहने वाला सागर है, वो कौन है? राम वाली आत्मा है। तो राम वाली आत्मा को संगम युग में शिव तो आकर के ज्ञान से भरपूर कर देते हैं, और चिड़िया उसको क्या करती है? चिड़िया तो ढेर की ढेर हैं, वो सुखा देती है। मिट्टी के संसर्ग संपर्क का जो संग का रंग है वो शिव को लगता है या राम वाली आत्मा को लगता है? राम वाली आत्मा को लगता है। शिव तो सदैव है निराकारी स्टेज वाला, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। राम वाली आत्मा संगम युग में ये पार्ट बजाती है, संगम युग में ही कंगाल भी बनती है और संगम युग में ही सरताज भी बनती है। और भैरव कहते हैं भयंकर, और गोरख कहते हैं गौ माने गौएं, कन्याएं माताएं, और रख माने रक्षा करने वाला। गौरख माने गौओं की रक्षा करने वाला, वो गौरखनाथ है।
अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह ने परशुराम को युद्ध में हराया, परशुराम तो राम वाली आत्मा का पार्ट और है, परशुराम राम वाली आत्मा का पार्ट है। परशुराम कितने कला का अवतार बताया गया शास्त्रों में है? चार कलाओं का अवतार, और राम को 14 कला का बताया गया, तो एक आत्मा कैसे हो सकती है? शिव बाप जो आते हैं वो मनुष्य में आवेंगे या मारकाट मचाने वालों में आवेंगे? हैं? मनुष्य में आवेंगे। मनुष्य अवतार जो है संपूर्ण है वो दो ही गाए गए हैं, एक राम और एक कृष्ण। परशुराम के लिए तो दिखाते हैं, और जिन राजा जितने सारी पृथ्वी में राजाएं थे उन सबको काट दिया, मार दिया, और क्षत्रिय ही राजाएं होते हैं। राजाएं ही खत्म हो गए तो राजाई को खत्म करने वाला शिव बाबा का पार्ट है, या राजाई को स्थापन करने वाला शिव बाबा का पार्ट है? शिव बाबा का पार्ट तो राजाई स्थापन करने वाला है। तो राम वाली आत्मा का पार्ट है परशुराम, तो फिर इस्लाम धर्म की आत्मा कैसे हराते हैं? तो क्लियर नहीं है। क्षत्रिय राजाएं हिस्ट्री में सारी दुनिया में कब समाप्त हो गए? जब प्रजातंत्र राज्य आता है तो सारी दुनिया से क्षत्रिय राजाएं खलास हो जाते हैं। ये संघ का रंग लगता है और धर्मों का। इस संघ के रंग को कहते हैं स्पर्श, जैसे बंगियों के लिए कहते हैं इनको छूना भी ठीक नहीं है, अगर इनको छुएंगे तो संघ का रंग लग जाएगा। तो स्पर्श की शक्ति से जो परिवर्तन कर दिया उसका नाम रख दिया है स्पर्श राम, से बदल करके परशुराम हो गया। और ये चार कलाएं कौन से युग में रह जाती हैं? कलयुग में रह जाती हैं। भारतवर्ष के जितने भी राजाएं हैं उन राजाओं के ऊपर आक्रमण कौन से युग में हुए? उन राजाओं को गिरती कला में नष्ट करने वाला कौन सा युग है? है? कलयुग है। कलयुग में राजाई खलास हो जाती है। संघ युग में बाप आकर राजा ही स्थापन करते हैं, उन राजाओं को कलयुग में विधर्मी आकर के बिल्कुल खलास कर देते हैं। वो चार कला का अवतार
कोई दूसरा नहीं है। कलयुग में जो भी मठ मठांतर आए हैं, मठ पंथ संप्रदाय छोटे छोटे स्थापन हुए हैं, उन्होंने आकर के ज्यादा भेद पैदा कर दिया। द्वापर युग में तो फिर भी इस्लामी आए, बौद्धी आए, क्रिश्चियन आए, राजाई संसार में चलती रही, राजाई नष्ट नहीं हुई। कलयुग में आके राजाई खत्म हो जाती है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। कौन सा धर्म है जिसके द्वारा स्थापन होता है? है आर्य समाज है। और अष्टरेप धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं, तो अष्ट देवियां खाती हैं क्या? अष्ट देवियां और अष्ट देव, इनमें असल सूर्यवंशी कौन है? अष्टदेव तो है सूर्यवंशी, वो ज्ञान की रोशनी से भरे पूरे हैं, क्योंकि सूर्यवंश की औलाद है। जो ज्ञान सूर्य की औलाद होंगे उनसे गलतियां ज्यादा होंगी, या जो औरों की औलाद होंगे उनसे गलतियां ज्यादा होंगी? औरों की औलाद होंगे उनसे गलतियां ज्यादा होंगी, क्योंकि ज्ञान कम है। सूर्य में तो रोशनी ही रोशनी है, तो सूर्य बाप की गोद में पलने वाले बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाए जो धर्मराज की सजाएं खानी पड़े, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मी है, नारायण के साथ ही रहेगी, बहुत ऊंचा पद है, विश्व की महारानी कही जाती है। फिर उसका ओरिजिन कहां से होता है, उसकी पैदाइश कहां से होती है? है सूर्यवंश से होती है या चंद्रवंश से होती है? चंद्रवंश से होती है। जगदम्बा है, आखिरी जगदम्बा की आत्मा के ऊपर कंट्रोल चंद्रमा का होता है या सूर्य को होता है? जब अंत में महाकाली का पाठ बजाती है, चंद्रमा का कंट्रोल होता है, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है, चंद्रमा ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश करती है, तो चंद्रमा को ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है। गीता का भगवान कौन? आदि से अंत तक ये ज्ञान नहीं है, गीता का भगवान कौन? तो गलती होगी कि नहीं? गलती हो जाएगी। ऐसे ही यमुना, है तो सूर्य पुत्री, लेकिन पुत्री बल सूर्य की है, लेकिन और धर्मों से कनेक्टेड हो जाती है या नहीं? हो जाती है। तो कन्या बल ऊंच कुल की हो, संबंध संपर्क संबंध नीचे वालों से जुड़ जाए तो कमजोरी आएगी ना, कमजोरी आ जाती है, काली नदी बन जाती है,
और देहाभिमानी धर्मों के संपर्क संसर्ग में आने से ऐसी चिकनी चिपकने वाली मिट्टी वाली बन जाती है। देहाभिमान की मिट्टी ऐसी चिपकने वाली बनती है जो अगर चिपक जाए एक बार किसी को तो जल्दी छूटती ही नहीं। गंगा की मिट्टी ऐसी है कि कितनी भी शरीर पर लपेट लो और थोड़ा सा पानी डालो सारा धुल जाएगा। है तो मिट्टी ऐसी, देहाभिमानी की मिट्टी तो गंगा में नहीं है। क्योंकि गंगा भी पार्वती की ही तरह हिमालय की गोद में पलने वाली है। हिमालय किसको कहा जाता है? हैं? हिमालय पत्थर का पहाड़ ऊंचा, ब्रह्मा ठंडा दिमाग रहता है, हिमवान है, हिम आलय काहे का घर है, बर्फ का घर है। जैसे बर्फ जाम रहती है ऐसे वो बुद्धि भी, मन बुद्धि रूपी आत्मा भी जाम रहती है। मन बुद्धि चलती नहीं है तो उसका नाम पड़ा हिमालय। कौन हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा की गोद में जैसे पार्वती पलती है तो पार्वती छोटी है कि बड़ी है? नहीं, एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो पहले कौन लेती है? गंगाएं कब निकली? अंत में निकली। तो अंत में सो आदि में भी निकली होंगी। तो जगदम्बा को ज्ञान बाद में मिलता है और गंगा ज्ञान पहले पहले सात्विक स्टेज में लेती है। लेकिन कमजोरी क्या है? गंगा किस धर्म से कनेक्टेड है? कौन से धर्म वाले लोग गंगा को बहुत मानते हैं? सन्यासी लोग। ये सन्यास धर्म के संस्कार हैं गंगा में। खेलती तो है हिमालय की गोद में लेकिन आदि में बाप का ज्ञान लेते हुए भी बाप से अलग होके रहती है लंबे समय तक। उसके किनारे सन्यासियों का जमघट रहता है। तो गंगा में ये कमजोरी होने के कारण वो बाप से दूर है। जैसे और धर्म वाले दूर होते हैं तो बाप से दूर रहेगी तो गंगा पवित्र बनेगी या मैली होगी? मैली होती रहती है। सन्यासी लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उल्टी बात सुनाते हैं। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है हमारी अम्मा, लेकिन सारी दुनिया उसमें स्नान करके उसको पतित बनाती है। सारी दुनिया के संग के रंग से पतित बनती है, हम उसमें पांव डालते हैं तो पावन बन जाती है। ऐसे ऐसे शैतानों के संग के रंग में गंगा वाली आत्मा को आना पड़ता है। तो बाप के ज्ञान से बिलग हो जाती। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं गंगा पतित पावनी, वास्तव में ज्ञान मार्ग में गंगाएं पतित पावनी नहीं है, एक शिव बाबा ही पतितों को पावन बनाने वाला है। तो गंगा की बुद्धि पवित्र बुद्धि नहीं कही जाएगी। जब अपवित्र बुद्धि होगी तो पाप बनेंगे या नहीं बनेंगे? पाप बनेंगे। फिर धर्मराज सजाएं खानी पड़ेगी। तो सूर्यवंशी नहीं है गंगा भी,
यमुना सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी बाप से जन्म लेती है, परंतु पतितों का संग रहता है। इसलिए नीचे गिर जाती है। गंगा का सन्यासियों का संग हो जाता है, इसलिए नीचे गिर जाती है। कोई भी नदियां हो, वो सूर्यवंशी नहीं है पक्की आदि से अंत तक, औरों के संग के रंग में आ जाती है। इसलिए फिर धर्मराज की सजाएं खाना लाजमी हो जाता है। आठ आत्माएं हैं जो पक्की सूर्यवंशी है, वो भी आखिरी जन्म में और धर्म में गिर जाती है, परंतु 83-84 जन्म तो श्रेष्ठ रहती है ना। तो संग का रंग एक बाप का रहता है ज्यादा जन्म जन्मांतर का, कि औरों का संग का रंग लगता है? बाप का संग का रंग लगता है। इसलिए उनमें नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के संस्कार ज्यादा रहते हैं, वो सजाएं नहीं खाती। अंत में किसी की भी छुपी हुई बात नहीं रहेगी, किसी की भी कोई भी बात छुपी हुई नहीं रहेगी। बाबा ने ये मुरली में बोला क्या? कोई कितना भी छिपाना चाहे, लेकिन अंत में क्या होगा? सब की उजागर हो जाएगी, क्योंकि बोल दिया मुरली में। क्या बोला? तुम सब है? तुम सब क्या हो? नहीं, द्रौपदियां हो। तो द्रौपदियों को दुशासन क्या करते हैं? नंगा कर देते हैं। छुपी हुई रहती है क्या? जब नंगा कर दिया तो सबके सामने उजागर हो गए। अच्छा, तो जो छिपाने के संस्कार हैं वो सब में एक जैसे हैं, ये अंतर रहता है? है अंतर रहता है। कोई में 1% छुपाने के संस्कार है, कोई में 0.5% छुपाने के संस्कार है, कोई में 99% भी छुपाने के संस्कार है। तो जिनके 0.5% या 1% भी छुपाने के संस्कार होंगे तो वो उजागर होंगे कि नहीं? वो भी उजागर होंगे। और जिनमें 99% छुपाने के संस्कार होंगे वो भी उजागर होंगे। तो पूछने वाला पूछ रहा है, अंत में किसी की भी छुपी नहीं रहेगी। बाबा ने बोला, तो जिन्होंने बाबा को लिख करके दे दिया उनका क्या होगा? अब बाबा ने मुरली में बोल दिया, अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, जिस एक के लिए बोला कि एक है राम, तुम सब हो सीताएं, तुम सब द्रौपदियां हो। तुम सब सीताएं हो, राधा तो एक है, वो प्यार की बात है, अभिविचारी प्यार की बात। बाकी जब छिपाने के संस्कार एक जैसे नहीं है, तो जिन्होंने लिख के दिया है वो एक जैसा लिख के दिया होगा या कुछ न कुछ छुपाया होगा?
सारों ने ही छुपाया होगा एक के सिवाय, या कोई ऐसा भी होगा जिसने न छुपाया हो? है? अरे एक तो ऐसा है, कोटों में कोई एक पुरुषार्थी है जो अपना पूरा सच्चा पोता मिल देने वाला है, वो तो छूट गया, बाकी अष्टदेव भी आ गए या नहीं आ गए? हैं? वो भी आ गए, तो जरूर उन्होंने थोड़ी भी गलती की तो होगी ना, चलो ज्यादा भी गलतियां की हो लेकिन सारी लिख के दी होंगी, कुछ न कुछ थोड़ा सा छुपा लिया। तो जो छुपाने के संस्कार हैं वो सब में रहते हैं थोड़े बहुत। तो जिन्होंने लिख के दे दिया उनके लिए ये बात तो साबित हो जाती है कि कुछ न कुछ जरूर छुपाया है। तो जो छुपाया है वो अंत में क्या होगा? अंत में क्लियर हो जाएगा। तो इसमें न समझने आने वाली बात तो है ही नहीं। अगली बात है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है, तो भारत पूरा नास्तिक है तो क्या भारत माता के ऊपर आस्था नहीं है क्या? अच्छा, जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान सागर बाप के ऊपर, ज्ञान सूर्य के ऊपर आस्था रखेगा या अज्ञानी के ऊपर आस्था रखेगा? है? किसके ऊपर आस्था रखेगा? ज्ञान सूर्य के ऊपर आस्था रखेगा। और जो अव्वल नंबर सीता है, तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो, तो भक्ति के ऊपर आस्था रखेगा क्या? ज्ञानी जो होगा वो भक्तों के ऊपर आस्था रखेगा? तो यहां तो यही तो पूछा है, भारत माता के ऊपर भारत को आस्था है नहीं क्या? आस्था है या नहीं है? जो भारत है, रामायण की सारी कथा भारत के ऊपर है, परंतु समझाने का खेर नहीं है, ये मुरली में वाक्य आया। तो रामायण की सारी कथा भारत के ऊपर है या राम के ऊपर है? राम के ऊपर है। इसका मतलब भारत किसको बोला? राम वाली आत्मा को बोला। तो ये पूछा है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है, तो आस्था जो रखने वाली बात है वो साकार के लिए आई है या निराकार के लिए आई है? कोई साकार के ऊपर आस्था रखी जाती है? और शिव तो साकार है ही नहीं। जब शिव साकार नहीं है और शिव के अलावा ज्ञानी कोई है नहीं इस दुनिया में राम वाली आत्मा के मुकाबले, तो वो किसके ऊपर आस्था रखेगा? रखेगा? अरे किसी को अपना गुरु बना के रखेगा? नहीं रखेगा। हाँ, जब नाक रगड़ते 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 सारी रगड़ जावेगी, दुनिया में कोई मान मर्तबा नहीं रहेगा, तब समझेगा कि पवित्रता का मूल्य क्या है। जब पवित्रता का मूल्य समझे तो फिर उसके लिए दरकार बढ़ती है। तो राम वाली आत्मा को भी
आस्था जगेगी किसके ऊपर, शिव तो एवर प्योर है। वो कैसे एवर प्योर है, परमधाम में रहकर के एवर प्योर या इस सृष्टि पर आकर के एवर प्योर? सृष्टि पर आकर के एवर प्योर बनता है, लेकिन वो एवर प्योर कब बनता है, जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा एवर प्योर बनता है या बिना प्रवेश किए एवर प्योर बन जाता है? प्रैक्टिकल में एवर प्योर बनता है या सिर्फ हवा में भी एवर प्योर कहने के लिए बनता है? प्रैक्टिकल में एवर प्योर बनता है। वो एवर प्योर भी माता को गुरु बनाए बिगर बनेगा या जब माता गुरु बनाएगा तब एवर प्योर बनेगा? माता को प्योरिटी के मामले में एवर प्योर गुरु के रूप में मानना पड़े, उस माता की मत पर चलना पड़े। तो जो जोड़े बनेंगे सतयुग में वो समान पुरुषार्थियों के बनेंगे या असमान पुरुषार्थियों के बनेंगे? समान पुरुषार्थी होंगे तो अपवित्रता के ऊपर जीत पहनेंगे। अगर जो साथी पुरुषार्थी है उसमें कमी होगी तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिर जाएंगे। तो आखरीन आस्था इस समय भारत को भले नहीं हो, मुरली में बोल दिया इस समय भारत पूरा नास्तिक है, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा। कैसा कैसा टाइम आएगा कि भारत माने राम वाली आत्मा भी परम पवित्र रहने वाली जो जन्म जन्मांतर की आत्मा है उसके प्रति उसको आस्था रखनी ही पड़े, नहीं तो उद्धार होने वाला नहीं। अगर हो गया होता उद्धार तो राम वाली आत्मा का नाम पहले और सीता वाली आत्मा का नाम बाद में लिया जाता, लेकिन क्या है, सीता का नाम पहले और राम का नाम क्यों? जब पतित पावन सीताराम कहा जाता है, सीताराम ही पतितों को पावन बनाने के प्रैक्टिकल में निमित्त बनते हैं। शिव तो निमित्त नहीं बनता, निमित्त माने साकार। शिव निमित्त बनता है या बनाता है? शिव निमित्त बनाता है प्रवेश करके। तो जो निमित्त बनने वाली आत्माएं राम सीता की हैं, जिनके लिए बोला जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन सीताराम को बुलाते हैं, जो पतित से पावन बनते नहीं वो पतित पावन सीताराम को बुलाते भी नहीं। तो जब बुलाते हैं तो सीता का नाम पहले लेते हैं या राम का नाम पहले लेते हैं? है? सीता का नाम पहले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सीताराम की सहयोगिनी न बने, पवित्रता को पवित्रता की पढ़ाई प्रैक्टिकल में पढ़ने के मामले में जब तक सीता वाली आत्मा राम की सहयोगी न बने तब तक राम वाली आत्मा भी पवित्र नहीं बन सकती। तो बात तो सही है, क्या क्या राम वाली आत्मा को भारत माता के ऊपर भी आस्था नहीं है? अभी आस्था है या नहीं है? हैं? अभी अभी है आस्था है नहीं है? अगर उसी पर आस्था हो तो सब को छोड़ छाड़ के कहां भाग जाए? हैं? उसी के पीछे भागेगी। जितने भी देहधारी हैं, जितने भी देहधारी हैं वो सब गुरु बन करके बैठते हैं, एक आत्मा देहधारी नहीं है। कौन है? नहीं, राम वाली आत्मा तो बड़े से बड़ा गुरु है।
जो देहधारी गुरु है ना, जो दुनिया के देहधारी गुरु हैं, धर्म पिता हैं, उन सब बापों का बाप है। तो वो बड़ा देह अभिमानी होगा या कम देह अभिमानी होगा? है बड़ा देह अभिमानी होगा। वो सबको झुका के तब झुकेगा या पहले झुकेगा? सबको झुका के तब झुकेगा। तो राम वाली आत्मा वो भी देह अभिमानी मनुष्य गुरु कहेंगे। कब तक? जब तक संपूर्ण न बने तब तक। और जब संपूर्ण बन जाए तो सदगुरु का साकार रूप हो जाएगा। अभी संपूर्ण है या अपूर्ण है? क्या है? तो अपूर्ण है। अभी बैल के ऊपर शंकर जी सवार है या शंकर के ऊपर बैल सवार है? हैं? बैल के ऊपर शंकर जी सवार हैं। बैल कौन है? ब्रह्मा बाबा। बैल का पार्ट है। अभी शंकर वाले के मन मस्तिष्क में बैल वाली आत्मा सवार है। तो बैल को मंदिर में कहां बैठे दिखाया गया है? हैं? बाहर नहीं, नाली के सामने, जहां वो शिवलिंग रखा होता है ना, अर्घा, अर्घा में जहां वो पानी गिरता है नाली से होता हुआ, उसके सामने बैल को दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बैल की बुद्धि कहां रखी हुई है? नाली में रखी हुई है। अब गलतफहमी बैठ जाए कि राम वाली आत्मा की बुद्धि रखी हुई है नाली में। अरे राम वाली आत्मा की बुद्धि अगर नाली में रखी हो फिर वो बीज रूप स्टेज धारण कर ही नहीं सकती। राम और कृष्ण वाली आत्मा के बीच में बीज कौन है और आधार कौन है? राम वाली आत्मा बीज है, निराकारी स्टेज वाली है, और कृष्ण वाली आत्मा आधार है। आधार माता को कहा जाता है। बीज को धारण करने वाली धारणी शक्ति वो है माता, और बाप बीज को कहा जाता है। लेकिन बीज बार बार जब बोया जाता है धरणी में तो कमजोर हो जाता है या पावरफुल बन जाता है? कमजोर हो गया है। सबसे कमजोर राम वाली आत्मा बन जाती है अंत में आकर के। इसलिए जो बैल वाली आत्मा है उसमें प्रवेश, वो अपना प्रभाव डालती रहती है। तो जब तक उसके प्रभाव से प्रभावित है तब तक बैल का पार्ट है। कहेंगे बैल राम वाली आत्मा शंकर वाली आत्मा के ऊपर सवार है। जब हाई जंप लगावेंगे तो बैल के ऊपर जब चढ़ते हैं तो कैसे सवार होते हैं? है? छोटा मोटा जंप लगा के सवार होंगे या हाई जंप लगा के सवार होंगे? हाई जंप लगावेंगे तो बैल के ऊपर सवार होंगे। तो लास्ट में हाई जंप लगाते हैं और बैल के ऊपर सवारी हो जाती है। इसलिए कहा है कि शिव प्रवेश करते हैं शंकर में कि जानवर में प्रवेश करते हैं? हाँ, शिव किस में प्रवेश करेंगे? जानवर में नहीं आते हैं। मैं जानवर में नहीं आता हूं, किस में आता हूं? मनुष्य में आता हूं। तो मैं मनुष्य तन शंकर में आता हूं, और शंकर किस पर सवारी करते हैं? बैल पर सवारी करते हैं। वही परशुराम वाला सवाल है, वो क्लियर नहीं है प्रश्न। भीष्म पितामह ने परशुराम को युद्ध में हराया। परशुराम तो राम वाली आत्मा का पार्ट है। फिर
फिर इस्लाम धर्म की आत्मा कैसे हराती है? क्यों? ये 63 जन्म इस्लाम धर्म वालों ने राज्य किया है या सूर्यवंशियों ने राज्य किया है? दुनिया में राज्य किसने किया है? इस्लाम धर्म वाली आत्माओं ने ज्यादा राज्य किया है। तो सूर्यवंशी हारते रहे कि जीतते रहे? दुनिया में हारते रहे, यही तो पूछा है। भीष्म पितामह ने परशुराम को युद्ध में हराया, तो परशुराम तो राम वाली आत्मा का पार्ट है। ये सच्ची बात है कि झूठी बात है? परशुराम राम वाली आत्मा का पार्ट है कि कोई दूसरे का पार्ट है? हैं? अरे परशुराम कम कलाओं वाला होता है कि 14 कला 16 कला होता है? वो तो कम कलाओं वाला है, वो तो दूसरे धर्म वाली आत्मा हो सकती है। तो दूसरे धर्म वाली आत्माएं जो हैं, वो भीष्म पितामह को हरा लेती हैं। इस्लाम धर्म वाले भी अभी हार गए, इराक का देखो क्या हाल किया क्रिश्चियंस ने, अमेरिका वालों ने। तो अमेरिका ज्यादा पावरफुल है या इस्लाम धर्म ज्यादा पावरफुल है? हैं? इस्लाम धर्म कमजोर पड़ गया, भीष्म पितामह कमजोर पड़ गए। है तो हार जीत होती रहती है माया की। लो और कोई सवाल है? अरे कहाँ दो और हैं। एक तो लक्ष्मी भंगी के घर वाली बात, वो हल हो ही गई। दूसरी है सागर और सागर को सुखाने वाली चिड़ियों की बात, वो भी हो गई। अच्छा हाँ, दुर्मुठ लगेगा तो कमजोर आत्माएं फाउंडेशन से दूर चली जाएंगी छिटक के। तो क्या वो सूर्यवंशी नहीं है? अव्यक्तवाणी में बोला, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया की सौगात दी है या फाउंडेशन में सौगात मिली है? फाउंडेशन मिला है नई दुनिया का। फाउंडेशन जमीन खोद करके डाला जाता है, फाउंडेशन में ईंट पत्थर रोड़ा डाले जाते हैं, फिर उनकी दुर्मुठ से कुटाई होती है। तो कूटते समय कोई कोई तो छिटक के दूर चला जाता है। ये कुटाई होना माना माया का फोर्स पड़ना। ये फाइनल पेपर अभी रहा हुआ है या होने वाला है? हैं? होने वाला है। तो जब वो फाइनल पेपर होगा तो ऐसी जो कमजोर आत्माएं हैं जो फाउंडेशन में आ गई गलती से, तो क्या होगा उनका हाल? छिटक के दूर चली जाएगी। अभी भी माया की युद्ध हो रही है, अभी भी माया का दुर्मुठ चल रहा है। अभी धीरे धीरे चल रहा है, आगे चलेगा जोर से चलेगा। और एक है शंकर के 5 मुख दिखाए हैं और 5 मुखों का नाम भी अलग अलग है, इसका क्या क्या मतलब है? ब्रह्मा कितना मुखी है? 4 मुखी ब्रह्मा है, पंचमुखी ब्रह्मा नहीं होता है? तो पंचमुखी जैसे ब्रह्मा है
और तुम सब ब्रह्मा हो या नहीं? कोई ऐसी आत्मा है जो ब्रह्मा का पार्ट नहीं बजाती है? है? सब ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा पांच हैं, दुनिया में पांच आत्माएं हैं जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली है। उनके फॉलोअर्स भी होंगे कि नहीं होंगे? हैं? फॉलोअर्स भी होंगे। तो जितने भी ब्रह्मा हैं और जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, उन सब का बीज कौन है? राम वाली आत्मा, वो भी ब्रह्मा है या नहीं है? वो भी ब्रह्मा है, वो प्रजापिता ब्रह्मा। और तो सब अम्मा है, और वो पिता है, बाप है, बीज है। तो बीज में सब कुछ है या नहीं है? तो पांच मुख भी होंगे कि नहीं होंगे? हैं? पांच मुख भी जरूर होंगे, और क्या रह गया? खत्म करें। ओम शांति। चलो।